गोवर्धन के दसवसा परिक्रमा मार्ग स्थित मुकुट मुखारविंद मंदिर पर फागोत्सव में हुरियारिनों ने हुरियारों पर जमकर लट बरसाए। गोवर्धन के दसवसा ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित फागोत्सव में गिरिराज जी का प्रसादी गुलाल एक दूसरे को लगाया। हुरियारिनों ने हुरियारों की प्रेम से पगी लाठियों से पिटाई की। सेवायतों ने गिरिराज प्रभु को गुलाल लगाया और पुष्प अर्पित किए। गिरिराज जी का पंचामृत से अभिषेक किया और ठाकुर जी का श्री कृष्ण के स्वरूप में भव्य श्रृंगार कर फूल बंगला सजाया। ठाकुर जी द्वारा खेली गई होली के बाद दसवसा ब्राह्मण समाज के महिला व पुरुष सज धज कर निकले, गिरिराज जी के दर्शन किए। गिरिराज जी के मंदिर प्रांगण में ही गुलाल की होली के शुरू होते ही हुरंगा महोत्सव की शुरुआत हो गई। हुरियारिनों ने हुरियारों की लाठी से पिटाई की। मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी ने बताया कि वसंत पंचमी से मंदिर में रसिया एवं समाज गायन शुरू हो गए। फागोत्सव में कई मन गुलाल व पुष्पों की वर्षा हुई और कृष्ण और राधा स्वरूपी ग्वाल वालों में जमकर खेली होली, जिसे जगह जगह हो रही होली को हुरंगा भी कहा जाता है। क्या नाम है आपका? माता जी, होली खेल रही है, किस तरीके का अनुभूति हो रही है? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बरसात गिरिराज चतुर्थी के प्रांगण में हजारों लड़कियाँ हर साल होली खेलने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी होली खेली थी और यहाँ पर होली खेलने का बहुत ही मजा आता है। सब ब्रजवासी मिलकर होली खेलते हैं, बहुत ही उत्साहित होते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, जिसका मैं सुधार नहीं कर सकती। ब्रज की होली में महत्वता क्या है, क्यों खेली जाती है? ब्रज में होली क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण जब बाल लीला करते थे तो होली खेलते थे जगह जगह, कभी बरसाने, कभी गोवर्धन, कभी गोकुल, कभी दाऊजी। तो ये यहाँ पे भी होली खेलने का महत्व है और यहाँ पर बहुत से ब्रजवासी और ग्वाल वाल मिलकर होली खेलते हैं और ग्वाली ने उन्हें छड़ी से मार दी। आज होली खेली है, कितनी महिलाएं शामिल हुई? बहुत ही मजा आ रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं, सभी ब्रजवासी उत्साहित हो रहे हैं, सभी ब्रजहारियां खेल रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, सो मजा की कोई बात ही नहीं कर सकती, बहुत ही आनंदित हो रहा है। राजी के आंगन में होली का आनंद मच रहा है, किस तरीके की अनुभूति हो रही है? हमारे यहाँ एक घटघाट होली के बाद में यहाँ मंदिर प्रांगण में रंगा होता है। हमारे यहाँ ब्रज में होली बसंत पंचमी से लेकर आज लगभग 40 दिन मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ब्रज में हर जगह बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मावन, दाऊजी, हर जगह होली के आनंद में सब ब्रज 5,000 साल से चली आ रही, कृष्ण जी के जमाने से ये प्रथा है। इसको हम सरकार ग्वाल बाल यहाँ के जितने भी सब मिलके ब्रजवासी मनाते हैं, बहुत आनंद आता है और रंगों का प्रतीक है, सब रंग मिलके सब लगाते हैं, बड़े पूरे सम्मान सम्मान से यहाँ होली खेलते हैं बच्चे और बड़े आनंद से यहाँ पे होली मनाई जाती है। दसवसा गिरिराज की मंदिर मानसी गंगा का आज औरंगा है। आज के दिन तक बसंत पंचमी से होली का महात्म रहता है, आज के बाद होली समाप्त हो जाती है हमारे ब्रज में, तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही हम खुश होकर सब मिलके बड़े प्रेम और प्रतीक से होली मनाते हैं। यह परंपरा हमारे दशवसा ब्राह्मणों की है, जो कि बहुत वर्षों से प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिसकी परंपरा को आज हम करते हुए हमारी माता बहन दशवसा ब्राह्मणों की सबको पारंपरिक तौर पर मना रही है। यह उत्सव विगत वर्षों की बात ही आज नहीं, यहाँ पे चरकुला नृत्य आदि परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। इसी के साथ सभी ब्राह्मणान परिवार को, दशवसा ब्राह्मणान जो कि गोवर्धन क्षेत्र का है, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।